हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के एल सी सी एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के एल सी सी ग्रुप पर। अगर आप मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिदिन आप लोगों के लिए शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव क्लास दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास आरंभ करते हैं। और आज का क्लास हम लोग सोशल साइंस से रख रहे हैं और सोशल साइंस का पार्ट 20 आज हम लोग सोशल साइंस का पार्ट 20 देखने वाले हैं। ध्यान देंगे सोशल साइंस का पार्ट 20 जिसमें हम लोग ज्योग्राफी से भारत संसाधन एवं उपयोग का पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और जो भी स्टूडेंट्स आज नए जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आपके सामने रहा आज के सेट का क्वेश्चन 1 जो भारत संसाधन एवं उपयोग का क्वेश्चन नंबर 61 है। कहता है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर या 18 करोड़ हेक्टेयर। सभी लोग बताएंगे कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। आप लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उससे आप लोग जरूर जुड़ें। और हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो जरूर दें और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आज का क्लास कैसा लगा और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो सभी लोग बताएंगे कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। कुछ लोग उत्तर देने का प्रयास करें, आप लोग भी दें, जितने भी लोग जुड़े हुए सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर, याद रखेंगे 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर देंगे कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी प्रश्न आप लोगों को मिल रहे हैं देखने को, सभी के सभी क्वेश्चन एमके लेबोरेटरीज कोचिंग सेंटर द्वारा संग्रहित VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग सभी क्वेश्चन को संग्रह कर लें, एक जगह लिख लें। अगर आप चाहते हैं कि डेली लाइव क्लास की PDF प्राप्त करें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़कर डेली लाइव क्लास की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी लोग बताएंगे कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर सही जा रहा है, बहुत बढ़िया। याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह क्वेश्चन बहुत ही प्रचलित है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर याद रखेंगे कि किसने भारत का मंदिर कहा था देश के बांधों को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ सिर्फ पंडित नेहरू आप लोग समझेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगर दोस्तों आप लोगों को यह क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ही प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव क्लास लेकर आते हैं, इसलिए आप लोग भी हमें सपोर्ट करें वीडियो को लाइक, और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है भाखड़ा नांगल
भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, झेलम, सतलज या ब्यास? सभी लोग बताएंगे कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग दे सकते हैं, सभी लोग देने का प्रयास करें। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग उत्तर दे रहे हैं बहुत ही फास्ट, बहुत बढ़िया, याद रखेंगे। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। और आप लोग लास्ट में वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आज आप लोगों को क्लास कैसा लगा और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कहता है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? अर्थात हमारे धरती पर जितना जल है उसका कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96%, 95, 96.6 या 96.5? सभी लोग बताएंगे कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का पार्ट 20 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 4 की चर्चा कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं पिछले सभी क्लास को देखना, क्योंकि आप लोगों को मालूम हो कि सामाजिक विज्ञान में हम लोग आज पार्ट 20 देख रहे हैं, इसी तरह से साइंस में लगभग 22 से 23 पार्ट हो चुके हैं, गणित में भी हो चुके हैं, संस्कृत और हिंदी में भी हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं पिछले के क्लास को देखना तो सभी विषय का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर बारी बारी से सभी क्लास को देख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी के सभी क्लास चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का है। तो चलिए सभी लोग बताएंगे कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे 96.5% भाग जल का निहित है महासागरों में। याद रखें कुल जल का 96.5 मात्र, समझ सकते हैं 3.5% में ही हम लोग जो धरती पर देख रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं वे सब जल है, बाकी जितना जल है 96.5% भाग महासागरों में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है बिहार में अति जल दोहन, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन अर्थात जल का अत्यधिक उपयोग से, बर्बादी से, कहता है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक या लौह? सभी लोग बताएंगे कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर इस चैप्टर को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए तो याद रखेंगे बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 60%, 65% या 70%? सभी लोग बताएंगे कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। अपना उत्तर जरूर देंगे, प्रयास करें, इससे मत डरें कि उत्तर गलत हो जाएगा, आप लोग प्रयास जरूर करें। तो सभी लोग बताएंगे कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित है। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर बहुत बढ़िया जा रहा है। चलिए इसी तरह से सभी लोग प्रयास करें, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और उत्तर जरूर दें। तो याद रखेंगे प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में 65 अर्थात 65% जल की मात्रा निहित होती है। याद रखेंगे प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है, इसलिए
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या कोयला? सभी लोग बताएंगे कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या कोयला? बहुत ही आसान प्रश्न है। सभी लोग उत्तर देंगे कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए इसी तरह से आप लोग उत्तर देते रहें। बहुत बढ़िया। पेट्रोलियम खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। याद रखेंगे प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। पेट्रोलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें क्योंकि आप लोगों के लिए डेली शाम 7 बजे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। इसलिए आप लोग भी सपोर्ट करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। और जो भी स्टूडेंट आज नए जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है, अर्थात परमाणु से विद्युत का निर्माण किया जाता है। तो बताएंगे कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर, कल्पक्कम, नरोड़ा या कैगा। सभी लोग बताएंगे एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है कौन है दोस्तों? सभी लोग बताएं। और आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का पार्ट 20 देख रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी का पार्ट 4। हम लोग चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। तो सभी लोग बताएंगे कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है कौन है दोस्तों? बहुत बढ़िया। तारापुर है जो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है इस चैप्टर से। अभी और सेट मिलेंगे दोस्तों। आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जितना हो सके महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा ताकि आप लोगों को एग्जाम में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो और एक भी प्रश्न छूटे ना। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? सभी लोग बताएं। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? चलिए बहुत बढ़िया। याद रखेंगे 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और जो भी स्टूडेंट आज नए जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।